हेलो दोस्तों, मैं हूँ रज़िया। आप सभी का स्वागत है कुक विथ रज़िया पर। आज मैं आप सभी की रिक्वेस्ट पे लेके आ रही हूँ माइक्रोवेन पे बेकिंग किस तरह से की जाती है। इसके लिए मुझे डेली हज़ारों कमेंट्स आते हैं, क्योंकि इससे पहले मैं आप लोगों को OTG के बारे में सारा डिटेल दे चुकी हूँ। बहुत सारे लोगों के कमेंट्स थे कि मैम आप माइक्रोवेन की रेसिपी ज़रूर शेयर करें, माइक्रोवेन का यूज़ बताएं और माइक्रोवेन पे बेकिंग किस तरह से होती है ज़रूर से बताएं। तो आप सभी की रिक्वेस्ट पे आज मैं लेके आई हूँ ये वीडियो। तो चलिए फटाफट से शुरू करते हैं। आजकल हर सभी के घर पे माइक्रोवेन आसानी से मिल जाता है, लेकिन उनका यूज़ करने में बहुत सारे लोगों को परेशानी होती है। और जो लोग बिगनर्स हैं या फिर माइक्रोवेन ख़रीदना चाहते हैं और उस पर बेकिंग के बारे में इंटरेस्टेड हैं, तो आज मैं वीडियो उन सभी के लिए डेडिकेट करना चाहती हूँ जो बेकिंग करना चाहते हैं या बेकिंग के लिए इंटरेस्टेड हैं। तो यहाँ पे देखिए, माइक्रोवेन जब भी ख़रीदते हैं या आपके पास है, आप ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे इस तरह का एक पैनल होता है। इस पे यहाँ पे आप देखोगे माइक्रो मोड रहता है, ग्रिल मोड रहता है, कॉम्बी रहता है, तंदूरी रहता है, डाइट रहता है। आजकल बहुत सारे अलग अलग वैरायटी के माइक्रोवेन आते हैं, सबका मॉडल अलग होता है, सब पे फंक्शन अलग होते हैं, सब में जो काम करने का तरीका लगभग सेम रहता है, लेकिन यहाँ पे जो बटन्स या फिर जो फंक्शंस दिए रहते हैं बहुत सारी वैरायटीज़ की आती हैं। लेकिन सब पे आप एक चीज़ आप कॉमन देखिएगा, वो होता है कन्वेक्शन मोड। कन्वेक्शन मोड क्या होता है? माइक्रोवेन में हम जितनी भी बेकिंग करते हैं वो सभी के सभी हम कन्वेक्शन मोड पे करते हैं। चाहे आपको केक बनाना हो, पिज़्ज़ा बनाना हो, ब्रेड बनाना हो, कुकीज़ बनाना हो, जितना भी आपको बेकिंग करना हो, 100% बेकिंग आपकी कन्वेक्शन मोड पे होती है। और कोई भी फंक्शन या किसी भी मोड का आपको ज़रूरत नहीं है, सिर्फ और सिर्फ कन्वेक्शन मोड पे आप सभी के सभी चीज़ें बेक कर सकते हो। तो चलिए अब मैं बताती हूँ कन्वेक्शन मोड को ऑपरेट कैसे किया जाता है, आप बेकिंग के लिए अपने डेली लाइफ पे कैसे यूज़ कर सकते हो। देखिए, बेकिंग शुरू करने से पहले हम किसी भी चीज़ को प्रीहीट करते हैं, ठीक है। जैसे पिज़्ज़ा बनाना है, कुकीज़ बनाना है, केक बनाना है, कोई भी चीज़ बनाओ, किसी भी चीज़ को हम बेक करने से पहले ओवन को प्रीहीट करते हैं। जैसे रोटी बनाने के लिए हम तवा गरम करते हैं, सेम उसी तरह से हम किसी भी चीज़ को बेक करने के लिए ओवन को गरम करते हैं। माइक्रोवेन को गरम करने का तरीका क्या होता है? सबसे पहले आपको जो भी चीज़ बेक करना है, यहाँ पे पहले आप उसको ध्यान दीजिए। सबसे पहले आपको कन्वेक्शन मोड प्रेस करना है। जैसे कन्वेक्शन आप प्रेस करोगे, यहाँ पे आप देखोगे 180 डिग्री आपको शो कर रहा है। अगर आप केक बना रहे हो तो 180 पे रखोगे, कुकीज़ बना रहे हो तो 180 पे रखोगे, पफ एंड खारी बना रहे हो तो आप 200 पे रखिए। तो यहाँ पे आपको जो भी चीज़ें बेक करनी है उसको उस हिसाब से उस टेम्परेचर पे यहाँ पे एडजस्ट करिएगा। क्लियर है? कन्वेक्शन दबाइएगा, टेम्परेचर यहाँ पे एडजस्ट करिएगा जो भी चीज़ आप बेक करना चाहते हो। उसके बाद यहाँ पे आप स्टार्ट बटन दबाइएगा। स्टार्ट बटन दबाने के बाद यहाँ पे आप देखोगे ज़ीरो हो गया। उसके बाद आप यहाँ पे 5 से 10 मिनट के लिए आप इसे प्रीहीट पे रख दीजिएगा, ठीक है। 5 मिनट लगा के इसे स्टार्ट बटन दबा दीजिए और ओवन को ऐसे ही छोड़ दीजिए 5 मिनट के लिए प्रीहीट होने के लिए। अब आप देखो, अभी हमारा ओवन प्रीहीट हो गया है। जब ये प्रीहीट हो जाए, आपका जो भी तैयार किया हुआ बैटर हो, कुकीज़ हो, ब्रेड हो, जो भी आप बनाना चाहते हैं, इसे आप अंदर डालिए। उसके बाद फिर से आप इसे बेक करिएगा। बेक करने के लिए फिर से आप कन्वेक्शन दबाइएगा। जो भी चीज़ें आप बेक कर रहे हो, आप अपना टेम्परेचर यहाँ पर एडजस्ट करिएगा। उसके बाद फिर स्टार्ट बटन दबाइएगा और उसको कितना देर आप बेक करना चाहते हो यहाँ पे आप टाइम दीजिएगा। जैसे केक बना रहे हो तो यहाँ पे 30 मिनट आप लगाइए, स्विस रोल बना रहे हो तो 10 से 12 मिनट दीजिए। इस तरह से आप यहाँ पे टाइमिंग अपने हिसाब से देके आप यहाँ पे फिर से स्टार्ट करिएगा, आपका जो बेकिंग प्रोसेस है वो शुरू हो जाएगा। ओके, तो ये मैं आप लोगों को मैन्युअली बताई कि किस तरह से आपको बेकिंग करनी है, प्रीहीट कैसे करना है, बेकिंग के लिए आपको कोई भी चीज़ किस तरह से यूज़ करना है। और एक तरीका मैं आप लोगों को बता रही हूँ कि ये तो मैं आपको मैन्युअली मेथड से बताई, जिनको डायरेक्टली करना है, जिनके पास डायरेक्ट ऑप्शन है, वो कैसे कर सकते हो। यहाँ पे देखिए, कन्वेक्शन दबाइएगा और डायरेक्ट यहाँ पे टेम्परेचर चाहो तो आप अपने हिसाब से एडजस्ट करिएगा। उसके बाद यहाँ पे 2 बार आप स्टार्ट बटन प्रेस कर दीजिएगा, ये आपका ऑटोमेटिक प्रीहीट हो जाएगा। जिनके पास ऑटोमेटिक प्रीहीट वाला ऑप्शन नहीं है, वो सिंपली यहाँ पे मैन्युअली, जैसे मैंने आपको शुरू में बताया, वैसे आप करिएगा। और जिनके पास इस तरह का ऑटोमेटिक सिस्टम है, आप इसे ऑटोमेटिक प्रीहीट पे भी लगा सकते हो। उम्मीद करती हूँ दोस्तों आपको मेरा ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगे तो आप अपने फ्रेंड्स, फैमिली, दोस्तों, रिलेटिव के साथ में ज़रूर से शेयर करें। वीडियो पसंद आए तो इसे ज़रूर से लाइक करें
और अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन को ज़रूर से प्रेस कर लें, इस तरह के नए वीडियोस आपको मिलते रहेंगे। फिर मिलती हूँ एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।